पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। तीनों दिग्गजों की मौजूदगी में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पुष्कर सिंह धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस मेगा इवेंट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की पूरी संभावना है। साथ ही सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। इसी समारोह में धामी के मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई है उसके बाद में आपका लगातार जिज्ञासा बनी हुई है कि शपथ समारोह कहाँ होगा, कब होगा, कौन उपस्थित होंगे, इसको सबको देखते हुए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। बंधु, उत्तराखंड के इस इतिहास के अंदर जिस प्रकार से 21 वर्ष के कार्यकाल के अंदर बहुत बड़े बड़े इतिहास रचे गए हैं, सबसे पहले कि विपक्ष को लग रहा था कि कभी एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने जिस प्रकार से पुनः भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर समर्थन ही दिया, भारी बहुमत से सबसे अधिक सीटों से जीता कर भेजने का कार्य किया है। हम देश की अपने प्रांत की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ साथ जो आंदोलनकारियों ने सपना देखा था कैसा उत्तराखंड हो, उस उत्तराखंड की कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 साल के इस कार्यकाल के अंदर अनेकों ने कार्य किए, उसका समय समय पर हम आपको उल्लेख भी करते रहते हैं। और सबसे बड़ा एक इतिहास और भी देश के अंदर रचा गया है कि मैंने अधिकतर देखा है कि अब से पहले पुरुषों की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती थी, महिलाओं की कम होती थी। प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद अब प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंचेंगे, जहां वो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर 24 मार्च को होने वाली विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सभी विधायक उनके नाम पर सहमति जताएंगे और फिर 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के लिए गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक और बीजेपी उपाध्यक्ष रघुवर दास सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। अमित शाह और रघुवर दास की मौजूदगी में 24 मार्च को शाम 4 बजे लोकभवन में विधानमंडल दल की बैठक होगी। बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में डिप्टी सीएम को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। इसके बाद 25 मार्च को लखनऊ में शहीद पथ पर स्थित इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हैदराबाद के भोईगुड़ा आड़ी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस आग में करीब 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि अब तक 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय ये लोग गोदाम के अंदर ही सो रहे थे। भीषण आग के कारण एक दीवार गिर गई, जिससे वहां फंसे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिलहाल एक व्यक्ति को बचा लिया गया है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 8 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। फायर ब्रिगेड के अधिकारी के मुताबिक अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आग इतनी भयंकर लगी थी कि इस पर पूरी तरह काबू पाने में समय लग गया। हालांकि आग को बुझा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कबाड़ के गोदाम में काम करने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में 10 लोगों को जलाकर मारने का मामला गर्मा गया है। आरोप है कि बीरभूमि के रामपुरहाट में उपद्रवियों ने लोगों को घरों में बंद कर आग लगा दी, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों समेत 10 लोगों की जलकर मौत हो गई। आग तो बुझ गई, लेकिन सियासत को इससे खूब गर्मी मिली। आज इस मामले में 5 बीजेपी सांसदों का दल घटनास्थल जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल टीएमसी के नेता घटना के बाद इलाके का दौरा करने गए, तो आज 5 बीजेपी सांसदों का दल घटनास्थल पहुंचेगा। इससे पहले कल बीजेपी दल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने राज्य सरकार से 72 घंटे में रिपोर्ट मांगी है।
विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था तेजी से चरमरा गई है। पंचायत उप प्रधान की हत्या के बाद बीरभूमि जिले के रामपुरहाट इलाके में तनाव और दहशत फैल गई है। भादू शेख कथित तौर पर कल शाम एक बम हमले में मारा गया था। गुस्साई भीड़ ने बाद में तोड़फोड़ की और कई घरों में आग लगाई।